सपोज करो क्वेश्चन में ये गिवन है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है और दो रस्सियां हैं, दो स्ट्रिंग्स हैं, और दो स्ट्रिंग्स ऐसी हैं, ठीक है, दो स्ट्रिंग से एक मास को पकड़ के रखा हुआ है, इसका वेट mg है, ये एंगल अल्फा ये बीटा गिवन है और ये सिस्टम रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स इस मास पे क्या है, जीरो है, राइट। तो अब इस केस में इसका वेट क्या है, mg। अब जीरो का मतलब, नेट फोर्स जीरो का मतलब नीचे की फोर्स मस्ट बी बैलेंस बाय ऊपर की फोर्स और लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी बैलेंस बाय राइट की फोर्स। तो नीचे की फोर्स क्या है, mg। तो ये क्या है, टेंशन T1। T1 के दो कॉम्पोनेंट्स है, T1 cos alpha, T1 sin alpha। T2 के कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि बीटा, तो ये बीटा ऑल्टरनेट एंगल है, तो T2 cos, T2 sin। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऊपर की फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेज। ऊपर की फोर्सेज क्या है, T1 sin alpha plus T2 sin beta, मस्ट बी इक्वल टू क्या, mg। और लेफ्ट की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट की फोर्स, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। दो इक्वेशंस आ गई, इसको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके T1 T2 की वैल्यू को निकालना है। तो मेडिकल वालों के लिए डायग्राम सफिशियंट है, कैलकुलेशन चाहिए नहीं। नॉन मेडिकल घर जाके इसके स्टेप्स को चेक करेंगे और कैलकुलेट करेंगे T1 T2 कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहां तक, ठीक है? तो होमवर्क नोट करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसे, इसमें एक नई चीज है। आप कहोगे तो किया हुआ है क्वेश्चन, दो ब्लॉक्स फुली किया हुआ है, एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं किया जो हम मैं बताने जा रहा हूं। क्या दो ब्लॉक्स हैं, 20 kg और 10 kg का ब्लॉक है, स्ट्रिंग में टेंशन TNT है, तो सिस्टम नीचे आएगा। मैंने क्वेश्चन पूछा ए बताओ और टी बताओ, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 20g माइनस टी इज 20 है, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू 10 into a। तो यहां से इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके टी की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन ये नहीं है, टेंशन तो स्ट्रिंग में हम निकाल ही लेंगे, क्वेश्चन ये है, ये जो पुली लगी हुई थी ना, इस पुली के यहां पर एक रॉड है, ये देख रहे हो, इस पुली के यहां पर एक रॉड लगी हुई है। अब क्योंकि सिस्टम अगर ज्यादा तेज चल पड़ा, टेंशन हो गई, तो ये रॉड में, ये रॉड टूट सकती है, रॉड टूट सकती है, तो रॉड में कितनी फोर्स है वो बताओ। अब सोचो अगर पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो पुली के इमीडिएटली लेफ्ट और राइट कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, टेंशन टी इधर और टेंशन टी इधर, दो ही फोर्सेस हैं, रस्सी है, बाकी तो ब्लॉक्स की फोर्सेस हैं, तो रस्सी के लेफ्ट और या नीचे और साइड पे TNT। तो नेट फोर्स क्या लग रही है इसके ऊपर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2t। तो ये सारी फोर्स किस में जाएगी, ये उसी रॉड में जाएगी, और अगर ये फोर्स बढ़ गई तो रॉड टूट भी सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर कैसे पता कि रॉड में जाएगी कि नहीं जाएगी, फिर हवा में थोड़ा जाएगी, हवा थोड़ा तोड़ेगी, मतलब रॉड आराम से बैठी है, वो कहेगी मेरे को कोई टेंशन नहीं, टेंशन तो कहीं और चली गई, ना सारी टेंशन कहाँ जाएगी, रॉड में जाएगी, टूटेगी भी कौन, रॉड। तो रॉड में टेंशन क्या लिखेंगे, रूट 2t। टेंशन आपने निकाल ली है, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर, इसको बोलते हैं थ्रस्ट इन रॉड। रॉड में थ्रस्ट कितना लगा, फोर्स कितनी लगी। आप कहेंगे थ्रस्ट तो 2t भी होता था, याद करो हमने पहले किया थ्रस्ट 2t, वो बताऊं कब था, वो तब था जब ये पुली है और टेंशन ऐसी हैं, ये देखो TNT। तो इसमें वेक्टर सम से आंसर क्या आएगा, 2t। डायग्राम चेंज है, इसमें टेंशन ऐसी है, 90 डिग्री पे है, इसमें सेम डायरेक्शन, तो इसमें थ्रस्ट 2t, इसमें थ्रस्ट रूट 2t। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है?